हेलो 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 दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसे होटल में जॉब्स जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी हां दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया के होटल में अभी निकली है बहुत सारी अलग अलग जॉब्स, मतलब कि होटल में जितनी भी जॉब्स होनी चाहिए वो सारी जॉब्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि सिर्फ यही जॉब्स देखने को मिलेंगी, यहां पर जो है जॉब्स अपडेट होती रहती है, यहां पर जॉब्स चेंज होती रहती है। यानी कि अगर वेबसाइट पे अभी आपके लायक जॉब्स नहीं है तो हो सकता है कि एक हफ्ते बाद आपके लायक जॉब्स वहां पर अवेलेबल हो। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आपको स्पा थेरेपिस्ट की जॉब देखने के लिए मिलेगी, आपको शेफ की जॉब देखने के लिए मिलेगी, वेटर की जॉब देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, बार स्टाफ की जॉब देखने के लिए मिलेगी और हाउस कीपिंग रिलेटेड जॉब देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और आप इन जॉब्स के लिए आराम से अपना सीवी कवर लेटर भेज सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस होटल के बारे में, साथ ही आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से आप इस होटल की वेबसाइट पर जाकर जॉब ढूंढ सकते हो, आप किस तरीके से जो है इस होटल के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से अपना सीवी सेंड कर सकते हो दोस्तों, ईमेल करने का सही तरीका क्या होने वाला है, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको जो है वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, ताकि आप सही तरीके से ये सीख पाएं और अपने लिए भी होटल जॉब्स अप्लाई कर सकें। दोस्तों देखो, सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि जो भी जॉब्स अवेलेबल है उन जॉब्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आप फुलफिल कर पाते हो, जो भी स्किल्स आपसे मांगे जा रहे हैं दोस्तों वो अगर फुलफिल कर पाते हो, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हो, तो आपके पास जो है दोस्तों सिलेक्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, आप बहुत आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है आपको अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना, यानी कि आपको जो है सही तरीके से अपनी सारी डिटेल्स जो है ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी और कवर लेटर में डालनी है और फिर अपलोड करना है। अगर सीवी कवर लेटर सही नहीं होगा आपका दोस्तों, तो आपको जो है उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा। तो इसीलिए उसमें सही अंग्रेजी का इस्तेमाल करिए, सही चीजों का इस्तेमाल करिए, क्या चीजें डालनी चाहिए क्या चीजें नहीं डालनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में एंड तक कि किस तरीके से जो है आपको सीवी बनाना है और किस तरीके से जो अपलोड करना है। देखो, सीवी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है गूगल पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे आपको जो वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर जाकर के आप अपना सीवी कवर लेटर फ्री में बना सकते हो। बस आपको जो है अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए दोस्तों, और अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है दोस्तों, आपको नहीं पता है कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। देखो, मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब आपको किससे सर्विसेज लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे चार्जेस जो है बहुत ही नॉमिनल से चार्ज है दोस्तों। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करते हो, अपना ATS इनेबल्ड सीवी बनवाते हो, इंटरनेशनल फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनवाते हो दोस्तों, तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन सीवी कवर लेटर बना के देंगे। ठीक है, जब आपका सीवी कवर लेटर बन जाता है दोस्तों, तो आपको जो है अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के जॉब अप्लाई करना है दोस्तों। और वो कैसे करना है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है दोस्तों हेल्क्योन होटल। ठीक है, अब हेल्क्योन जो है आपने शायद नाम ना सुना हो, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड होटल है दोस्तों। ठीक है, ये ग्लोबल होटल नहीं है। यहां पर अभी जो है मैं आपको डायरेक्ट हेल्क्योन होटल के वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं दोस्तों, करियर पेज जो है इनका, और इस वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आप यहां पर डायरेक्ट आ सके। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है दोस्तों, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वेबसाइट इन वीडियो करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आ जाओगे आप डायरेक्ट दोस्तों। और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो लिखा हुआ है, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वाइब्रेंट एंड एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स टू जॉइन अवर टीम, प्लीज ईमेल योर सीवी टू careers@helkionhouse.com.au। यहां पर एक ईमेल आईडी दी गई है दोस्तों आपको, जिस पे आपको अपना सीवी का वॉलेट सेंड करना है। ठीक है, या फिर एक नंबर भी दिया गया है जिस पे आप अपना सीवी का वॉलेट सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड भी एक ईमेल दी गई है दोस्तों, जिसपे आप अपना सीवी का लेटर सेंड कर सकते हैं। सपोज यहां पर आप शेफ की जॉब अवेलेबल है, शेफ की जॉब में इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी की सारी जानकारी आपको यहां से यहां तक देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, डेमोंस्ट्रेट योर पैशन फॉर फ्लेवर एंड मेटिकुलस आई फॉर डिटेल। आपको खाना वाना बनाना है दोस्तों, आपको कोऑपरेटिवली और प्रोडक्टिवली जो है टीम के साथ काम करना है और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना है दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेस्टेज हो रहा है वो एक अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा हो, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपको जो है वेस्टेज के ऊपर रखना है दोस्तों। ठीक है, और पर्सनल लेवल का प्रेजेंटेशन जो है आपका सही होना चाहिए, हायर स्टैंडर्ड्स आपको जो है हाइजीन के मेंटेन करने पड़ेंगे दोस्तों, साथ ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो है आपको सारा काम करना होगा दोस्तों। ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, और इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दोस्तों, लेकिन सब कुछ यहाँ नहीं डाल सकते, इसीलिए कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद स्किल्स और एक्सपीरियंस की बात कर लें दोस्तों, तो 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे जो है मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको जो है कलिनरी टेक्निक्स और फूड के बारे में जो है, फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब एक शेफ के पास जो भी स्किल्स होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, नहीं है तो आप जॉब नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो एक ईमेल आईडी दिया गया है दोस्तों, साथ ही सैलरी जो है आपको $71,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बताई जा रहे हैं दोस्तों पर एनम, यानी कि आप सालाना इतना कमा सकते हैं।
ठीक है, अब उसको आप 12 से डिवाइड करते रहिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स करीब तो आता है दोस्तों, और आप आराम से 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इस जॉब के लिए कमा सकते हैं। ठीक है, स्पा थेरेपिस्ट की जॉब अवेलेबल है दोस्तों। वी आर करंटली सीकिंग एक्सपीरियंस एंड एनर्जेटिक स्पा थेरेपिस्ट टू ज्वाइन अवर टीम। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्यादा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं गया है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दिखाई नहीं गई है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस बनना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी 2 से 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है स्पा @helkionhouse.com.au पे अपना सीवी कवर लेटर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस अटेंडेंट, पेपर डेजी करके जो है इनका एक अलग सब्सिडरी मतलब कोई कंपनी है दोस्तों, वहां के लिए चाहिए इनको। वहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है rm@helkionhouse.com.au पे अपना सीवी कवर लेटर सेंड करना है। सीवी कवर लेटर सेंड करने का तरीका बहुत ही आसान है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, बार स्टाफ की जॉब अवेलेबल है, आप देख सकते हो बार स्टाफ में जो है यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह ज़्यादा मेंशन नहीं की गई है दोस्तों, लेकिन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हर जॉब के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होने वाली है, फ्रेशर लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एजुकेशन कम है तो भी चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है दोस्तों, और रूम अटेंडेंट की जो जॉब अवेलेबल है दोस्तों, इसके लिए भी आपको ईमेल आईडी दी गई है housekeeping@helkionhouse.com.au। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली आपको जो है ईमेल आईडी पे क्लिक करना है दोस्तों। ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ईमेल आईडी मेरी जीमेल ओपन हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर मेरा खुद का पर्सनल ईमेल डाला हुआ है, और कहाँ भेज रहे हैं वो डल करके आ गया है दोस्तों डायरेक्टली। ठीक है, सब्जेक्ट में जो हमें डालना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द पोजिशन ऑफ, अब जैसे शेफ था, शेफ की जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डाल देंगे हम। इतना डालने के बाद अटैच कर लेंगे अपना सीवी कवर लेटर। ठीक है, यहाँ पर अटैच करके जो है हम यहाँ पर जो है एक टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया था दोस्तों, रेज्यूमे टेम्पलेट, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ रेज्यूमे सैंपल के तौर पर मैंने ऐड कर रखा है दोस्तों, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है अपना सीवी अटैच कर लेना, जो आप खुद से बनाते हो और किसी से बनवाते हो, वहाँ पर आपको अपना सीवी अटैच कर लेना दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो है आपको अपना कवर लेटर पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कवर लेटर पेस्ट करके दिखाता हूँ, एक ऑप्शन के तौर पर मैंने वो भी रखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है अपना एक कवर लेटर रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों। इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि किस पोजिशन के लिए किस पोजिशन के लिए नहीं है, आपको जो है इसी पोजिशन के लिए अपना मतलब जिस भी पोजिशन के लिए अप्लाई करोगे उससे रेलेवेंट अपना जो है कवर लेटर आपको बनाना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मैं कवर लेटर ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कवर लेटर जो है हमें पेस्ट कर देना है जो भी मैं आपको बनाकर दूंगा दोस्तों, और उसके बाद जो है आपको अपना वो कर देना है दोस्तों, साथ ही सीवी अटैच कर देना है। ठीक है, इतना आप कर देंगे दोस्तों तो आपको जो है डायरेक्ट सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर ऊपर आप देख सकते हो अटैचमेंट के बगल में एक एरो जैसा निशान है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो है सीवी सेंड हो जाएगा उनके पास। ठीक है, तो ये सीवी आपको इस तरीके से सेंड करना है दोस्तों। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको अटैच करना है और किस तरीके से जो है आपको अपना कवर लेटर पेस्ट करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे दोस्तों। आप सही जॉब से रिलेवेंट जो है सीवी कवर लेटर बनाइएगा दोस्तों, तभी आपको जो है रिस्पॉन्स आएगा। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, इस चीज़ पर मत ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बस एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा था कि किस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, आप अगर शेफ की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको जो शेफ के एक्सपीरियंसेज ऐड करने होते हैं दोस्तों, जो भी आपने शेफ का काम किया है, कहाँ किया है, किस तरीके से वहां पर आप काम करते थे, वो सारी चीजें ऐड करनी होगी, क्या स्किल्स थे आपके पास, वो सारी चीजें ऐड करनी होगी, और उसी से रेलेवेंट जो है दोस्तों आपको कवर लेटर भी बनाना होगा। कवर लेटर बना करके फिर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, सही तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो सही चीजें डालिए अपने सीवी कवर लेटर में, तभी आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप सपोज शेफ की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने सीवी भेज दिया क्लीनर का, हाउसकीपिंग का, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आने वाला दोस्तों। आपको जो है ध्यान रखना है कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रेलेवेंट आपको सीवी कवर लेटर बनाना है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे दोस्तों। समझ चुके हैं तो जल्दी से अपना सीवी कवर लेटर बनाइए या फिर बनवाइए। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो फिर से एक बार बोलूंगा कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।